आऊंगे तो रिक्वेस्ट आ जाएगी। और बता क्या चल रहा है। लैब भी तक परसों गए थे वो पानीपत वाली पंचायत में, वहां फिर सभी के सामने प्रपोजल रखा जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, और उसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो सभी ये बोले कि आपका जो खेल वाला मुद्दा था वो समीर तो आवड़ा में नगर क्लियर हो चुका है, जो आप फेडरेशन में पद्मभूषण के आदमी नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। हाँ हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक सिर्फ लॉलीपॉप है दोबारा, अच्छा क्योंकि ये प्राइवेट बॉडी है पूरी फेडरेशन, इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। वैसे बोल रहे हैं नहीं उठेंगे, कोई नहीं उठेगा, दूर रहेंगे सब, शायद ये होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि कोर्ट के रास्ते से सब आ जाएंगे अपने दोबारा, कोई रोक नहीं सकता उन। ये बस ना मुद्दा ठीक के लिए कुछ न कुछ गंगा साफ जुड़ ऐसा पर रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करना गलत जी। आए हैं डॉक्टर साहब आए ही वो सिंह का आया था। भेजियो डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट का ऑप्शन देख के एक बार। ये बाकी भाई थोड़ा की तरह जिधर था हमने अगर शेयर की जो आओगे शेयर करियो भाई थोड़ी है डॉक्टर साहब बहुत अगर जुड़ेंगे तो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी थर्ड टाइम जो चीज जिस चीज के पीछे चल रही है जो पहलवाना की लड़ाई के पीछे है। डॉक्टर साहब नीचे कोने में शायद आपने तो पता ही होगा, इतना तो हमने तो इतना है। ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा डॉक्टर साहब ने कहा है, ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा भाई। हेड का ऑप्शन तो भाई फिर कितना होगा। फिर एक काम करता हूँ मैं, आ स्टैंड ही तो है अप आ गया आ गया आ गया आ गया आ गई रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब करना फिर एक बार और देखिए एक बार ट्राई कर करें। दिए कर दिए। हाँ डॉक्टर साहब राम 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 भाई, राम राम दोनों भाइयों, राम राम। और ठीक ठाक हूँ भाई। बस चलो आशीर्वाद आपका बढ़िया करती मौज हो रही। तो बढ़िया हमारी तो यही चर्चा चल रही थी डॉक्टर साहब की, जो पंचायत परसों खिलाफ वहां पे हाँ कितने 8 तारीख को दिया, तो उसी में डिस्कस कर रहे थे कि सरकार की तरफ से यह तो शायद एक जुमला ही है कि भाई कोई पद्मभूषण का आदमी फेडरेशन में नहीं आएगा और ये नहीं होगा वो होगा, तो इसके बारे में आप बताओ कि कोई प्राइवेट में घुस सकता है, वो तो शायद रूल ही नहीं है। देखो इसमें दो तीन चीज है सोमवीर भाई की। एक तो पहले से ही ये तय है कि उसके तो टाइम पूरा हो ही लिया था ब्रजभूषण का। तो ब्रजभूषण तो हाँ वैसे ही मतलब तो अगला इलेक्शन लड़ नहीं सकता हाँ था और उसका टर्म भी वैसे पूरा हो लिया है तो कोई नई बात है नहीं। लेकिन इस पूरे जितने साल ये 12-13 साल जो रहा 10-11 साल इसका फेडरेशन में है इस पूरी टर्म में के अंदर तीनों टर्म्स में इसने जो खेल खेला के जो लोग आसपास अपने फिट करे जो गोटियां फिट करी अपने रिश्तेदार और अपने जो चेले चपाटे जो तैयार किए वो इसीलिए किए थे कि जब मैं नहीं रहूंगा तो ताकत मेरी न्यू की न्यू रहनी चाहिए बल्कि और बढ़नी चाहिए। तो वो कौन कौन लोग हैं जिन लोगों को उसने फिट किया है अगर उनके नंबर आप लिख के दे देंगे तो कल ना वो क्योंकि उसका प्रभाव तो इतना है वो किसी तीसरे चौथे पांचवें आदमी ले आके खड़ा कर देगा उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं किसी वो और इलेक्शन लड़ लेगा। दूसरी बात ये जो पहलवान है जो चुनाव मान लो जो इस आंदोलन को कर रहे हैं मान लो तीन लोग कर रहे हैं के बजरंग कर रहा है विनेश और साक्षी कर रही है। जब ये सीन से बाहर हो जाएंगे सीन से बाहर का मतलब क्या है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद जब ये कुछ चीज से इनका नहीं लेना देना रहेगा ये कोच हो गए कहीं ना कहीं मतलब अपना काम कर रहे होंगे जब ये खेल नहीं रहे होंगे तो उस टाइम पे निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है। इस पर तो मेरे मतलब मैं हमेशा पहले दिन से ही एक सवाल उठाता रहा हूँ कि भाई व्यवस्था कैसे बदलेगी क्योंकि आप क्या कर रहे हो
आप केवल भरत भूषण की सत्ता को बदल रहे हो। सत्ता बदलने के बाद कोई नया जो आदमी आएगा, वो नया जो फेडरेशन का चीफ आएगा, वो अगर आने के बाद फिर से ऐसा ही काम करने लग जाएगा, तो उस केस में आपने क्या सुझाव और क्या व्यवस्था तैयार करी है कि अगर एक भी व्यक्ति अगर ऐसा कर दे तो क्या फिर से 10 साल 12 साल इंतजार करना पड़ेगा? 2014 में अगर पहली बार इसके खिलाफ शिकायत हो गई थी और जो शिकायत करने वाले हैं उसकी वाइफ को भी अगर बर्बाद करने की इसमें मादा था, और उसके बाद आज धरने पर बैठने के लिए 9 साल लगे और भी धरने पर बैठना पड़ा, तो मतलब 9 साल में मुद्दा उठा, तो क्या अगली बार अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, किसी भी बच्ची के साथ में, वो आपकी मेरी बहन किसी की भी हो सकती है, बेटी हो सकती है, तो क्या उसको भी 10 साल बाद ही ऐसे धरने पर बैठना पड़ेगा, या कोई और विनेश या और कोई बजरंग ये दोबारा से आएगा? इसका एक बड़ा अजीब सा था। नहीं डॉक्टर साहब जो मैसेज हाल फिलहाल के टाइम में ये इतने बड़े वर्ल्ड ओलंपिक लेवल के पहलवान जो यहाँ पर बैठे हैं और जो इनके साथ सरकार का बर्ताव है, प्रशासन का बर्ताव है, उसने देखकर के आने वाले आगे टाइम में कोई भी लड़की या किसी की भी बेटी बहन कोई आवाज उठाने के लायक रहा होगी? बिल्कुल। दूसरी बात, मैं वही कह रहा हूँ कि जब इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इनने इतना मजबूर होना पड़ सका है, तो फिर आम जो इंसान है वो तो भूल ही जाओ ना। वो जो पोस्को वाली लड़की थी, उसने जब अपना केस वापस लड़ाया तो उसके बाप का बयान पढ़ रहा था मैं, जब अंग्रेजी वाले अखबार में लिख रहा था कि भाई मेरे घर में दहशत का माहौल है और मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने दिन तक जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, मेरा कैसा बर्ताव होगा, मेरे कुछ हो गया तो मेरे घर का क्या होगा। मतलब किसी और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ले और मैं तो जाता है डर के, मैं तो ये वापस ले रहा हूँ। तो ये तो उसका डॉक्टर साहब ये जो बयान है ना उसका, जो कि भाई मेरे को धमकी मिली है, मैं डर के माहौल में जी रहा हूँ, उसको तो दिखाना कहीं इधर उधर किता गया। उसके नेगेटिव जो पूरे देश की मीडिया दिखा रही है कि भाई नाबालिग ने बयान वापिस ले लिया, और उसका जो दूसरा एक बयान लिया गया कि भाई हमने तो वैसे लगा दिया था, गुस्से में हो गए आरोप, पूरा देश के सामने इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि मतलब भाई हद है, मतलब एक गिरने की हद है इस देश में मानसिकता की। अपने आप एक चीज देखो, देखो एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सोशल मीडिया पे जितनी भी बातचीत चलती है ना, गांव के लोगों को और हम लोगों को एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि वो जो बयान नीचे जो कमेंट लिखे होते हैं वो मैक्सिमम कमेंट फर्जी आईडीज के होते हैं। हमने बीजेपी की आईटी सेल को देखा है, वहां एक एक आदमी को सिम दिए जाते हैं, मतलब आईडीज दी जाती है, सिम दिए जाते हैं, 15-15 सिम, 20-20 सिम। ड्यूटी होया करे कि जैसे ही कोई कमेंट आ जाएगा तो वो एक ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने, आईटी सेल वालों ने। उस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि वो एक पोस्ट आई किसी की, उस पोस्ट पे डाल दिया जाएगा कि तुमने ये डालना। वो मैसेज भी आ जाते हैं कि 7-8 ये मैसेज हैं, ये सवाल हैं, ये जवाब हैं, ये भेजने हैं। तो मतलब शाम कोई जवाब दिया जाओ, ये करेगा एक मैसेज करके एक कमेंट कर दिया, उसे टाइम आईडी चेंज करके दूसरी आईडी करी, फिर वही सेम कमेंट कर दिया, उसे लिंक पर क्लिक कर गया, फिर तीसरी आईडी चेंज करी, ऐसे करके एक एक आदमी के जिम्मा होगा 15-15 कमेंट करने, 20-20 कमेंट करने, उनको इंसेंटिव मिलता है, 2 रुपए मिलते हैं एक कमेंट के, इसलिए मैं इनको बोलता हूं 2 रुपए प्रति मीटर वाले दिहाड़ीदार बेचारे। तो जो आईडी डॉक्टर साहब एक कमेंट आया है अभी, ये भाई की तीनों भाइयों को राम राम, फिर भूषण को सजा कैसे हो, आप इस पर चर्चा करें। तो जो डॉक्टर साहब आपकी समझ, आप उसकी थोड़ी अपने आगे की जो प्लानिंग है उसके बारे में कुछ शेयर करो, इन कुछ लोगों को समझ में आओ दबा। देखो ध्यान हो, जब आप पहली बार बैठे थे, आप मिले थे, तो मैंने एक दो बातें कही थी धरने के ऊपर जब आप बैठे थे ना, कि सबसे पहली बात तो भाई आपने बनानी पड़ेगी व्यवस्था। मतलब व्यवस्था का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो धरने पे जो धरने के जो चेहरे हैं ना, उन 3 लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसमें से अगर मान लो ब्रजभूषण बच के निकल भी जाए तो कोई दूसरा आदमी ना निकले, ऐसा इंतजाम, ऐसा कानून, ऐसा नियम बनवा के आपने आगे बढ़ना है। इस बारे में कभी भी धरना की कमेटी के अंदर चर्चा नहीं हुई, बड़ा दुख का विषय था। पता नहीं तो
इन तीनों पहलवानों को भरोसा नहीं था, जो लोग इनको साथ दे रहे थे इतना तन मन धन से पागलों की तरह, पता नहीं वो मतलब क्यों वो स्टेप पीछे हटा रहे थे कि सिर्फ ब्रजभूषण पे रखो केंद्रित और मामले को इससे आगे मतलब बात को ना लेके जाओ। दूसरी बात भाई जी, क्योंकि ये लड़ाई इन तीन लोगों ने लड़ी थी और बाकी के देश और बाकी खापों ने और पंचायतों ने तो इनका साथ दिया था, बाकी संगठनों ने, तो जो निर्णय ये लेंगे उस निर्णय से बाहर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कहने का मतलब इस मामले में तो स्पेशली इस मामले में तो जिसके साथ ही है वो आदमी आगे बढ़ करके अपनी लड़ाई को चालू करेगा और बाकी के लोग उस मसले पे, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले एक बीमारी आड़ा कार्यक्रम चलाया सरकार ने और उसमें मोहित एक लड़का गिर गया था नरवाना में, और एक गुजरा फिर इसार में एक लेडी गुजर गई थी, तो मेरे पास सुशील का फोन आया अपने ग्रुप में जनता सरकार मोर्चा में से, वो कहने लगा जी उसका बच्चा लड़ने के लिए तैयार है, मगर फिर सारी सपोर्ट हम देवांगे भी, वो अगर लड़ने के लिए तैयार है आप घने बच्चा ने बचा लेंगे। हम जब चले तो चलते चलते रस्ते में फोन आया सुशील का, भाई उसका उसका बेटा तो नहीं बोला ना, तुम तो लंबा पंगा छेड़ोगे और ऋण जिम्मे नहीं लड़ता, मतलब उसकी माँ गुजर गई सरकार के अत्याचार से, गुजर गई सरकार की जबरदस्ती से गुजर गई, वो लड़ने से मना कर गया। अब उसमें तो क्या करा, तो फिर मैंने सुशील को एक बात कही थी, मैं कहा सुशील भाई फिर तो बाट देखनी पड़ेगी अपन है आके मारे घर में, जिस दिन कोई बालक मरेगा ना फिर उससे दिन चलना पड़ेगा भाई फिर तो, क्योंकि ये तो सारे के सारे मतलब ये तो ढीले ढील दे जाए। अब जो आदमी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई उनको एक तो खुद होना पड़ेगा, उन्हें इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि भाई एक तो तेरे साथ देनी है लोग इतने हैं, दूसरा ब्रजभूषण को सजा कैसे हो, अगर ये सवाल अगर आप मेरे से पूछो तो भाई ब्रजभूषण को सजा होने के तो मतलब मेरे ख्याल से पहले से ही हमारे कानून के अंदर प्रावधान था, उसको हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में इतने उलझे होते हैं कई बार कि हम लोग अपने छोटी छोटी स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत का भी साथ देते रहते हैं। अभी जो लोग बीजेपी के अंदर जुड़े हैं, बीजेपी से सरकार के साथ जुड़े हैं, कहने का मतलब वो लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि कल को तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो क्या कल तुम इसी तरह से मतलब बलात्कारी आदमी का साथ दोगे, या जैसे टिकैत साहब ने कह दिया बीच का रास्ता निकालने की बात कह दी थी, तो मैंने तो एक वीडियो बना दी थी टिकैत साहब, क्योंकि टिकैत साहब आपके घर की बहू बेटी के साथ होने लगा तो क्या तब भी आप बीच का रास्ता निकालना ही प्रेफर करोगे? भाई मैं तो नहीं करूंगा, कम से कम मैं तो एटलीस्ट नहीं करूंगा, मैं तो सीधा है कि मैं तो सजा होए बिना काम नहीं चलेगा, अगर सरकार सजा नहीं देगी तो भाई फिर मैं दूंगा, जब मेरे घर में तो किसी के लिए नहीं कर देगा तो आप तो हिसाब पूरा करके भाई ऐसे नहीं जानते ऐसे आदमी को। तो जो जो लोग हमारे खाप जिनके हाथ में थी, पंचायतें जिनके हाथ में है, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अब एक बेटी गेल हो गया तो कल न दूसरी गेल भी होगा, कल न तीसरी गेल भी होगा, कल न किसी गेल भी हो सके है, तो यह व्यवस्था बनाने का काम तो वैसे ही समाज का ही होता है, और कानून जो है वो कानून कभी भी नेचुरल लॉ से, नेचुरल जस्टिस से कभी इतर उतर नहीं हो सकता, और नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जिस आदमी के ऊपर आरोप लगे हैं उसको सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए, जब अब वो सांसद वाले पद से इस्तीफा देवेगा कोई तो उसकी जांच हो सकेगी। अब मान लो 15 तारीख को चार्जशीट दाखिल कर दी पहलवान इन पुलिस ने, और चार्जशीट के बाद मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट में मामला जाने के बाद तो विनेश फोगाट रन्यू भी नहीं कह सकते गिरफ्तार करो, फिर तो वेन्यू कह देंगे कोर्ट की अवमानना का केस लाग जाओगा उनके ऊपर, जब उन्होंने कह दिया तुम कोर्ट का आदेश दोगे कि क्या करना चाहिए, कोर्ट को मालूम है क्या करना चाहिए, तुम चुप्पा बैठे रहो और फिर चुपचाप करके बैठ जाओगे, तो चार्जशीट दाखिल होने से पहले 15 से पहले कुछ हो सकता था, इस्तीफे का दबाव बना सके थे, या उसने घेर सके थे, या उसकी कोठी में घेर सके थे, या और कुछ और बहुत सारे रास्ते बताए थे इसके लिए, लेकिन वो नहीं चालू हुए तो भाई नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो फिर क्या करें। तो 15 तारीख को अगर वो चला गया उसके बाद कोर्ट में साथ के साथ अर्जी देकर उसने जमानत ले ली, तो जमानत लेने के बाद फिर जांच के लिए उसको पेश होना पड़ेगा, तो जो आईओ होगा वो भाई चाहे एसपी के लेवल का आईओ हो करिए उन्हें जानते सलूट पहले मारना पड़ेगा, क्योंकि वो सांसद है, एसपी भी सांसद का सलूट मारेगा और आईजी भी सलूट मारेगा, तो मतलब हर आईओ इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट की तो औकात ही कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 15 तारीख को चार्जशीट हो गई और कोर्ट में मामला चल गया तो भाई साहब उसके बाद कोई गिरफ्तारी का चांस नहीं है, कोई उसको सजा होने का चांस नहीं है, सारे गवाह मैनेज किए जाएंगे,
सारे शिकायतकर्ता मैनेज कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये लोग नीचता के सबसे निचले लेवल पे इस टाइम बैठे हुए हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, और जिनको सपोर्ट कर रहे हुए भी उसी लेवल के हैं। उनने जात धर्म दिखा है, उनने सही गलत के फैसले लेने का, तो उनका कोई मतलब उनका लक्षण दिखते नहीं भाई साहब। के करा इसमें तो ये हो सके, कल न जब मारे में तो कोई से मान लो आज भी मतलब अगर ओम उनकी दुश्मनी मोल लेके अगर आप बोलने की हिम्मत रखा हाँ, तो फिर काल नहीं तो न्यू बाट देखनी पड़ेगा। कोई मारा में तो कोई से के घर में तो कुछ हो जाए तो फिर मंडा संभालना पड़ेगा, और तो को राह बनता नहीं, फिर तो इनका इलाज जब पे होगा भी भाई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मीडिया मतलब इतनी नेगेटिव क्यों दिखाने लग रही है खिलाड़िया ने? उनको पता भी है, सभी को पता है कि गुनहगार तो वो है। देखो एक चीज मैं मीडिया का रोल आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर मीडिया के ऊपर कमेंट करने के लिए आपको अगर समझना है, क्योंकि मैं तो इसलिए बोल सकूं हूँ सोमवीर भाई को, तो मैं इसलिए बोल सकूं क्योंकि सोमवीर ने जो इंटरनेशनल षड्यंत्रकारी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय जो षड्यंत्र चला रहे हैं देश के अंदर, उनके बारे में सारा बेरा है। तो मैं बताऊं, मीडिया का जो इस्तेमाल है और जो मीडिया की स्थापना है वो उन लोगों ने इसलिए नहीं कर रहे कि लोगों को जानकारी होती रहे। उन्होंने मीडिया की स्थापना केवल इसलिए करी थी कि देश में कहां कहां कौन कौन क्या क्या कर रहा है और कौन कैसे मैनेज करना है, इसकी जानकारी इंटरनेशनल लेवल पे होती रहे, इसलिए उन्होंने अपनी मीडिया यहाँ खड़ी करी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया चले जाओ, हिंदुस्तान टाइम्स चले जाओ, द हिंदू चले जाओ, आज भी उनके मालिक वही है जो अंग्रेज स्थापित करके गए थे, वही कंपनियां मालिक हैं इसकी। सिर्फ यहाँ काम करने वाले अपने देश हैं, असलियत में इनके मालिक तो वही लोग हैं। लोगों ने अपनी मीडिया खड़ी नहीं करी, केवल पूंजीपतियों ने अपनी मीडिया खड़ी कर रखी है। वही पूंजीपति सरकार बनाते हैं, पूंजीपति सरकार को डोनेशन देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, वही पूंजीपति उन इंटरनेशनल षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं जो लंदन में वॉल स्ट्रीट से चलते हैं, शेयर मार्केट के जरिए उनका बिजनेस बढ़ता है, तो शेयर मार्केट सारा ही वहां से चलता है। तो फिर ये कहने की बात ही नहीं है कि मीडिया क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि मीडिया आपके लिए है ही नहीं, मीडिया उन्हीं के लिए है। ये तो हमारा फर्ज था जब हम लोग वहां धरने पर बैठे थे, तो मैंने जब एक सलाह भी दी थी और मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने तैयार भी था, ये कहा था कि भाई हम लोग तैयार हैं, जनता सरकार मोर्चा के सारे साथियों ने बुला लेंगे, अपा अपना मीडिया खड़ा करांगे, अपने पोस्टर्स बनाएंगे, अपने पैम्फलेट छापेंगे, अपनी जानकारियां देंगे, लोगों को जानकारी देंगे, गांव गांव में जाके बता के आओगे, खरी पंचायत करवावांगे, लोगों का समर्थन लेवांगे, इनका मनोबल तोड़ने के लिए जो ये जो क्या कहते हैं उद्योगपति हैं और ये ब्रजभूषण जैसे जो सांसद हैं सरकार के लोग हैं, इनका इनके इनको कमजोर करने के लिए अपने पास जितने सारी प्लानिंग थी वो सारी प्लानिंग पर चर्चा होती, अपनी मीडिया खड़ा करते तो लोगों को सच पता चलता। लोगों को सच ही नहीं पता चलेगा तो सारा झूठ फैलाया जाएगा, तो मीडिया बिल्कुल कभी नहीं आएगा, ये पहले बता दिया जाए। डॉक्टर साहब आप एक बात देख लो ना, मैं पिछले 4-5 दिन से एक बात नोट कर रहा हूँ, मतलब ये जो मीडिया देश में दिखा रहा है भाई, उस नाबालिग ने बयान बदल दिए वापिस ले लिए, उसकी वाह कहानी तो दिखा नहीं रहा भाई, किस दबाव में किस डर में कितना टाइम लग गया उस पर, दबाव कितना आ गया, वो चीज तो एक किनारे करके दिखाई नहीं। बाकी अब खुद जो हमारे पहलवान है ना, और सही बढ़िया लेवल के पहलवान है जो मतलब इसका सामना आ नहीं रहे केस में, पीछे तो सपोर्ट कर रहे हैं, चलो जितने भी कर रहे हैं, उनका दिल में भी एक भ्रमर एक सवाल पैदा हो रहा है कि भाई इनने ये जो अपनी लड़ाई थी या इसमें एक किस्म का समझौता कर लिया या मैनेज कर ली, ये सिर्फ एक किस्म का बोल रहे हैं वो कि दिखावा कर रहे हैं, तक खुद हमारे जो पहलवानी करने वाले बालक है हमारे साथ के, उनका दिल में दिमाग में जब ये विचार इतना प्रभाव आ रहा है कि न कर लिया, और वह पूरा जोर तक है जो भी बात चल रही है यार थारे समझ बना रही, तो आम लोग जो आम जनता है गांव के जो लोग हैं उन पर कितना इस दिमाग में कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लग रहा है, जो ये देश की है जो नकली इतने बड़े बड़े एंकर हैं ये सुधीर चौधरी यार, हम है ना डॉक्टर साहब इनने जो करी अपने इस केस तक पहले हम भी बहुत बड़ा मारे भी, ये हिंदुत्व का इसका बहुत बड़ा कीड़ा था देशभक्ति का, पर यो
इस आंदोलन में इस लड़ाई ने देख कर हमारा है ना जो पर देशभक्ति तो चलो हमारे में तो जा नहीं सकती है। क्यों हम सर्विस भी इसी चीज में, हाँ भाई बचपन तो चीज भी है सीखी है, पर जो यो कीड़ा धर्माकार हिंदुत्ववादी का था ना यो बिल्कुल खत्म हो गया हमारे भाई। ये जो पहलवान है जो बैठे हैं इनता बड़ा राष्ट्र भगत है, इनता बड़ा देश का नाम रोशन करने वाले हैं, या तो फिर फौज में जो हमारे भाई से ही दो हुए हैं या उनके बाद ये है, अरे इन इनका साथ इनका बराबरी पर लगा लो हमारे किसान भाई। आज के टाइम में आप न्यू देख लो पहलवान भी परेशान है, जिनने हमेशा जब पूरा देश एक मेडल खातर तरसदा लोग गए उस टाइम पे साक्षी ने एक मेडल दिया था, वो भी इतने बड़े 140 करोड़ लोग गांव में 17वें 18वें दिन आज जाकर उसने मेडल दिया था। और बिल्कुल आज मैं प्रधानमंत्री वो पुराना किसान ट्वीट डाल रखा था, वो पढ़ू था कि दीपावली थी उस टाइम पर भी दीपावली पर जो हमारी बेटी साक्षी ने देश को ये उपहार दिया, हम इसके सदारी नहीं रहेंगे। आज वो 22 तारीख ने साक्षी रोड पर घसीटी जा है, जेल में डाली जा पूरे दिन रात ने न्यूज खुद घर क्या न कौन से थाने में कितना छुटाग लेनी है। तो और इसे इसे लोग हैं जो इन पे इसे इसे कमेंट कर रहे हैं, अगर ये खुद भी सुनाएंगे तो उस पे इन बिजनू शर्म आती होगी। देख कितना बड़ा जो इल्जाम इनके लग रहे हैं उस तो भी गंदा इल्जाम है। कादा भाई ऑनलाइन आकर दूसरे देश में बैठे हैं, नीचता की कति गंदेपन की वो हद कर रहे हैं बोलने में बिल्कुल। पर लोग का बात समझ में नहीं आ रही आज के दिन। इन मेरा कहना यो है इन लोग का भी जब समझ आऊंगी जो राज पहलवान या किसान परेशान हो रहे हैं इनका जब समझ आऊंगी जब इन पर खुद पे बीतेगी और मारे तो भी ज्यादा बुरी तरह इन पर बीतेगी पहलवाना दी बुरी तरह ना। इसमें मैं बताऊं भी के है इसमें के है कि बीत रही है इन पे पहले एक तबका समाज में इस टाइम पे ऐसा नहीं है जो सा खुश हो जिसने अपनी जिंदगी ठीक कट रही और जिसके बालक सुरक्षित हो, सब बहुत बुरी तरह से दुखी हैं, लेकिन उन्हें न्यू कौन बेरा। पहलवान जिस कारण से दुखी है उसी कारण से किसान दुखी है उसी कारण से तम दुखी हो। जिस दिन उनका यो कनेक्शन समझ में आ जाओगा ना, उनके के लग गए किसी ने लग गए तो मैं पड़ोसी दुखी कर रखा, किसी ने लग गए तो मैं ब्राह्मणा दुखी कर रखा, किसी ने लग गए मैं जाटान कर रखा, किसी ने लग गए मैं राजपूत ने कर रखा, किसी ने लग गए मैं यादव ने कर रखा, किसी ने लग गए मैं नलवाड़ा ने कर रखा, किसी ने लग गए मैं कांग्रेसी ने कर रखा, किसी ने लग गए मैं भाजपाई ने कर रखा। तो हर किसी को ये लगता है कि मेरा जो दुश्मन है ना वो असलियत में मेरे पड़ोस में रहने वाला या दूसरी जात का या दूसरे धर्म का या दूसरी पार्टी या दूसरे ग्रुप या दूसरी विचारधारा का आदमी है। जबकि असली बात यह है कि जितने भी पार्टी हैं जितने संगठन हैं सबको एक ही चीज पोषण करती है और वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद की वजह से ये लोग परेशान है और इस खेल को ये लोग समझ नहीं पाते। वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि जिन लोगों को इस बात का पता है वो लोग जागरूक करने के लिए ज्यादा नहीं जा सकते। अब फेसबुक से तो कभी क्रांतियां होती नहीं, यूट्यूब से वीडियो से तो होती नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है हर रोज गांव गांव में जाके एक एक दिन में तीन तीन गांव में जाके समझाना पड़ा है कि भाई तुम जो सोच रहे हो वो असलियत ऐसी नहीं है। और जहां पहुंचे ना एक चीज इसमें मौकरी है मैं बताऊं भाई, इस तरह बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं जैसे अभी अभी आपने बोला कि लोगों के समझ में नहीं आती, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं सिर्फ उन लोगों के समझ में नहीं आती जिन लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, जिनको भी किसी बैठ के आंख में आंख डाल के समझाने की कोशिश करी है पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश करी है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि समाज में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों की बर्बादी अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख ले लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि वो बर्बादी कर रहा है। जैसे अभी अभी आपने खुद बोला कि ये आंदोलन होने से पहले मारे भी हिंदुत्व नाम का कीड़ा था और उस हिंदुत्व नाम के कीड़े को ही हम लोग देशभक्ति समझ रहे थे, तो आप उस देशभक्ति उसी को समझ रहे थे। इसी तरीके से जिनको आप ये कह रहे हो इनके गाली देने को देशभक्ति मानते हैं, वो देवेंद्र को गाली देने को, वो भाई आपको गाली देने को, वो सोमवीर को गाली देने को देशभक्ति मानते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लोग देश विरोधी हैं और ये लोग ही मोदी विरोधी हैं, ये लोग जो हैं दूसरी पार्टियां के हैं, तो वो उनको पट भ्रष्ट किया हुआ है। उनके लिए जागे हुए लोगों को खुद निकलना पड़ेगा और लोगों को जगाना पड़ेगा और जगाने की इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये कोई भी बीज जब गिरता है किसी जमीन में वो उसी टाइम पे पैदा नहीं होता, उसके लिए अनुकूल वातावरण जब होता है तो वो पेड़ जब बनता है तो छाया भी देता है फिर फल भी देता है फिर सब कुछ मिलता है,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारी स्पीड से नहीं होता, कुदरत का अपना तरीका है न्याय करने का और कुदरत का अपना तरीका है फल देने का। वो कैसे देगी वो कुदरत के ऊपर है। हमारा इस टाइम फर्ज ये है कि आप जगाते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, दहाड़ते रहें, रोते रहें, जो हमारा उस टाइम पे फर्ज है वो करते रहें, बाकी देख लिया होगी तो कुछ होता भाई। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ साल पहले डॉक्टर साहब बीजेपी के को बनी थी 2 सीट आगर 3 की लोकसभा में, बस आज 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 2 पर तय पूर्ण बहुमत पर पहुंचा रखे हैं। जिन काम के रास्ते वे चल रहे हैं उस तो एक दिन ही निगाह नहीं हुआ, उसी तरह विनाश हो जाएगा जिस तरह ये फड़े फूले हैं। सब का होया है, सब ने बड़ी कोशिश करी पूरी दुनिया को जीतने, किस ने करी वह सारे मिट्टी में मिल ली। एक आदमी के खिलाफ वो गवाह मांगे थे, गवाह आओ, अरे उसके दो दो तीन तीन गवाह था नेशनल मीडिया पा लिए पूरे देश के सामने। इतनी सारी चीज सुनने के बाद उसने कुछ इतने भूंडिया दे रहे हैं, छेड़छाड़ नहीं मानते ये युवा, कुछ छेड़छाड़ है कोई आम आदमी किस तरह। ये तो वही बात है ना, उन्हें बेचारा ने बतावे क्यों कर, वो तो बताने का तर तो भाई टाइम से ही है। अब ये जगाने के लिए मन तो धरने में तो कोई सा मानस दिखा नहीं, जो टहल के गांव में जाके गांव वाले ने समझा कांदा हो, मन तो कोई पंचायत हो ही देखी नहीं। हम तो प्लान कर रहे थे 6 तारीख नहीं कि हम पंचायत करांगे यार, पूरे हरियाणा में 5 पंचायत करेंगे, 5 कमिश्नरी है, हर कमिश्नरी पे करांगे टोला जाके बात करांगे, लोग जगाऊंगे उनसे कहेंगे कि तुम अपना मीडिया तैयार करो, और उसके लिए आंदोलन चल रहा है। जो गुवाने मीटिंग हुई थी उसमें सोनपत में मीटिंग थी, अब सोनीपत की मीटिंग में कौन करन लाग रहा था, वो जो जिसका हाथ में पूरे के पारा आयोजन था वो बीजेपी का प्रवक्ता रह रहा है पहले, वो किसानों ने गाड़ दिया करता, वो उस पंचायत में मुख्य तरीके से माइक पकड़ रहा था सुरेंद्र। मैं देखू मल है भाई यो मानस यो कर लाग रहा है, तो मारा तो समझ में नहीं आई फिर। तो ये चीज डॉक्टर साहब ये भी आंदोलन मारा है जो चल रहा है सरूदा जंतर मंतर पर, इसमें भी एक दो आदमी है जो कति स्टार्टिंग तक लेकर जिसने जिन पिछला धरना मैनेज करके इस तरीके से हटवा दिया, वो आदमी आज भी इनका गैल है, वो आज भी इनका गाइड करे है। आजकल जो भी हाल फिलहाल इनकी मीटिंग वीटिंग हुई उसमें जरूर उसका हाथ है, पर वो एक काम तो दूर नहीं हो पाओगे तो क्यों कर जीतेंगे फिर। मेरे वर्ग ने बता दे भले तो रॉक आदमी है ये तो बोला सरकार का आदमी है, रॉक आदमी भाई ठीक से बात रोके आदमी तो घने हैं और घने आ रहे हैं रोके ठीक से भाई बड़ा बढ़िया है, बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं इस तरीके से, क्यों लड़ाई जीती जाएगी डॉक्टर साहब। बल लड़ाई तो देखो लड़न वाले सेनापति के हाथ में हो, सेनापतियां द्वारा मैंने मैसेज भी करा था वॉइस मैसेज भी, मगर भाई पहले तो पूरे खेल न समझ लो, जब समझना हो तो जब पूरी समझ में ना आवे ना फिर नहीं जीत सकते किसी भी हालत में। ये तो न्यूज होते रहे समस्या है, प्रदूषण समस्या नहीं है भाई, असली समस्या की जड़ तक जब तक नहीं जाओगे ना, किसी भी पेटे के पाते में दवाई मारते बीमारी ठीक ना होगा, उसकी जड़ पे ही जानी चाहिए तो भाई तब जाके बात बनेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब चलो हम तो जो भी है साथ में खड़े रहेंगे, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, इसके का रोल आप आधे करते रहेंगे बड़े भाई, अपना लगे रहेंगे जैसा भी हो बनाएगा, जरूर लग रहे हैं हम तो साथ में हम तो अरे बता और भी बड़ी लड़ाई है ब्लू होगी, उस पर भी तो काम बहुत करना पड़ेगा, लोगों ने पता ही नहीं। एक डॉक्टर साहब ये सही बात है, बताओ ये कई कई भाई है जो जोकर राजपूत भाई है लगभग या फिर हमारे ब्राह्मण भाई हैं, वो इतना इतना नाराज इतना खफा क्यों है, क्यों इतने नेगेटिव कमेंट्स या इसी तरीके की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल मतलब समाज ने दो गुटा में बटने की बात कर रहे हैं बहुत सारे भाई। देखो एक चीज समझनी पड़ेगी डॉक्टर साहब, मैं अपनी बता दूं और जितने भी हमारे पहलवान भाई बहन या लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल तुकर कति गारंटी तक कह सकूं ये है ना, कदे भी किससे भी जाति का मन में ये भी नहीं लिया रहा पहलवान तक, खास करके भाई यो उस जाति मत है यो न्यू है पहलवान ना, आपने भी देखा रहना सहना खाना पीना ऐसा है, चाहे 5 पार्टनर हूं मैं, 5ों की से भी जाती हूं एक साथ बैठ के एक कुकर में खाऊंगी अलग थाली में। मैंने देखा है मैं बताऊं, मैं जब उन दिना ज्यादा नजदीकी से पहलवानों को देखने का मौका मेरे को जब मिला था, जब अपना बजरंग मेडल लेकर आया था
बजरंग मेडल लेकर, सॉरी बजरंग नहीं, योगेश्वर दत्त, योगेश्वर जब मेडल ले आया उसके बाद मैं योगेश्वर को डीएसपी लगा दिया था। योगेश्वर रहा करता मधुबन में, और मधुबन में मेरा आना जाना योगेश्वर के लिए काफी बढ़िया था। उन दिनों में बजरंग योगेश्वर तो रहा करता, तो मैं जब की बात है जब तो योगेश्वर उड़े मधुबन में योगेश्वर के साथ बजरंग था, तो मैं उस टाइम उनका हालत देखा करता कि जात पात का ऐसा कोई, मैंने खुद मैंने योगेश्वर के दिमाग में भी ऐसा मैंने कदे महसूस नहीं करा कि उसके दिल में भी ऐसा होगा जात पात आला। तो दूसरी बात जो है, हाँ ना, मैं वह उस बात तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने जितने भी पहलवान देखे उनमें वाकई यह बात है, खिलाड़ी सारे में लगभग ये बात है। अब मैं जो मैनेजमेंट में उनमें हो सके है, लेकिन खिलाड़िया में नहीं पाऊंगा कदे भी, बात खिलाड़ी में खेल ना पाओगी तो। मैं जब इस खेल को देखा तो मैंने इसमें दो तीन चीज नोटिस करने हैं जो आप सबको भी समझनी पड़ेगी, जितने और भाई हैं, चाहे वो ब्राह्मण भाई हो, चाहे राजपूत भाई हो, चाहे कोई भी हो। एक बात को हमेशा, बाकी के और भी दूसरे तबके वाले, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति जैसा होता है तो वैसे ही वो अपना नेतृत्व है, और वैसे ही व्यक्ति वो अपने खेल लगाता है, मतलब दिखाता भी वो वैसे ही व्यक्ति है। यानी अगर कोई बलात्कारी सोच का आदमी होगा, उसका नेता बलात्कारी सोच का पाओगा, और उसको फॉलो करने वाले भी वैसी सोच के पाओगे। कोई चोर होगा तो चोर का जो नेता होगा वो चोर होगा, डकैत का नेता डकैत होगा, तड़ीपार का नेता तड़ीपार होगा, गुंडे का नेता तड़ीपार होगा। मतलब अपने ये बात डॉक्टर साहब, जैसे आपने कही ना, जो इस सोच के हैं बलात्कारी है या कोई तड़ीपार है, ये इस तरीके की बात करेंगे तो यह बात ऊपर सोशल साइट पर भी ज्यादा लोग तो इस पॉपुलरिटी में आते नहीं। कुछ आदमी हैं जो उस जाति के विशेष चेहरे बन जाए हैं, जो वह कुछ भी सोशल साइट पर आगे बात रखते हैं तो लोग उनने सुना है, एक बार जरूर सुना है। तो उनने दो तीन चेहरा बताया, जो एक वीडियो देखी मैंने, एक कोई विदेश में रहे है, कोई करण मोदी का मोदी गांव का, उसके एक वीडियो देखी आज दिन में, बल्कि मैंने उसके खिलाफ जो करनाल थाने में, सदर थाने में रिपोर्ट भी है, उस भाई पे रेप के और किडनैपिंग के और इस टाइप के एलिगेशन लग रहे हैं, फिर वो देश यार छोड़ के भाग गया, वो बाहर रहा है। हाँ, वो बाहर रह गए, पूरा जातिवाद पर बात कर रहे है, वैसे वो अपने आप में पूरा हिंदुत्ववादी दिखा हुआ है। बस ये तय समझो, आप मतलब आप जैसे होते हो ना, आपका नेता वैसा ही होता है। एक एक जुकर फिर इन में राजपूता राज एक एक जुकर इन अपने राजपूत भाइया में इनका ठेकेदार बन रहा है एक उपेंद्र राणा। अब तो आवाज कटने लगी भाई। एक एक डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल आप थोड़ी आवाज कटता है, मैं बताऊं। एक एक इन मैं भिवानी साइड का है कोई उपेंद्र राणा, वो इस पूरे राजपूत समाज का एक किस्म का ठेकेदार बन रहा है। एक वो हो गया करण मोदी, वो रोड भाइया का और इनका राजपूता का ठेकेदार बन रहा है। एक वो दद्दा हो गया, वो भी राजपूत है कुछ। तब मेरा कहना न्यू है, ये दो तीन आदमी जो मतलब सोशल साइट पर इतना गंद फैलाओ है भाई, जाटा ने या और जातियां ने ये टारगेट कर रहे हैं बारी बारी से। अरे इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है डॉक्टर साहब, एक के तो राजस्थान पुलिस ने हाथ पैर तोड़े दे पाछे ही, एक विदेश में भाग रहा है इस तरीके के काम करके, एक अपने आप बाबा बन रहा है, उसका खुद घर परिवार पर कोई मतलब उसकी कोई वाह नहीं, घर में काबू साचा है नहीं, और बाहर का देश का ठेकेदार बन रहा है। वो सब के चरित्र के सर्टिफिकेट दे हुए है उसकी। उस ठेकेदार की एक बात बताऊ मई बाप ने, वो यो जो बाबा बन रहा है, यो है बाबा, जब मेरा एक कॉमनवेल्थ गेम्स में इस जगबीर कोच के लिए जो वाक्या होया, तो इसने जगबीर बहुत बढ़िया लग गया था, जगबीर की बहुत तारीफ करी थी इसने इसकी पिछले वीडियो में, और मैं इसने समाज का सह मीनू पेश करा था, मोखरिया था गुंडा है, इसने ऐसा करा के साथ वो ऐसा करा। आज वो जगबीर नेता के खिलाफ बोल पड़ा, वो अपने जमीर की आवाज सुनकर सच के साथ खड़ा हो गया,
तो उसका लेख है जगवीर बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया और बहुत उसने उसने जी उन्होंने बहुत गलत गलत काम करे उसकी आज वो वह बात गाने लग गया। तो यह समय गल बदल जा है और यह है ना डॉक्टर साहब जितने भी जातिवाद की बात फैलाने लग रहे हैं समाज में यह फैलाने लग रहे हैं ना हमारे किसी तरीके की जातिवाद ने सपोर्ट ना हम करते डॉक्टर साहब। मैं ये इसलिए बताऊं था जरूरी है डॉक्टर साहब देखो इसका इलाज करने के लिए फिर से व्यवस्था पे आऊंगा। ये लोग जो हैं अभी क्या है अभी आप समाज के अंदर गिन सकते हो कि कौन से लोग किस सोच के हैं लेकिन ये अगली पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन चालू करी इन्होंने और अब आपके हर छोटे बच्चे के मोबाइल के ऊपर अश्लील वीडियो आ रही है रेगुलरली। तो ये एक पूरी फॉलोअर की पूरी फौज यानी इसी सोच के पूरे फॉलोअर तैयार करने का प्लानिंग चल रहा है। यो इलाज राम राम करेगा भाई यो इलाज न्यू नहीं हो सकता या पूरे व्यवस्था के लेवल पर करना पड़ेगा। और यो आप जनता सरकार मोर्चा वाले जो साथी हैं ये दिन रात लग रहे हैं समाज ने जगान पे यो जाग जाऊगा जिस दिन समझ में आ जाऊगा टेलीविजन मीडिया और अखबार और ये जितने भी ये सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म इनका बहिष्कार जब आखिर में होगा ना वो जब जाके इन बात बनेगी कि हाँ असलियत में इनका मतलब इनका इन तक पेंडा के ऊपर छटा हुआ है अपने समाज ने अपने बालका ने अपनी अगली पीढ़ियां ने इन तक ऊपर बचा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल चलो डॉक्टर साहब ये देखेंगे 15 तारीख तक बिल्कुल बिल्कुल 15 देख लेंगे क्या होगा जुड़ेंगे बाकी धन्यवाद को सब डॉक्टर साहब को सब हूं सॉरी डॉक्टर भी कोच हो गए पर वरना मरेगा। चलो ठीक है जी ठीक है सोमवीर राम राम ओके भाई गुड नाइट राम राम बाकी और सब को राम राम भाई।